मेरी आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ, इस सेशन में हम लोग बीजी के अंदर बैकअप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम आपको बीजी में बैकअप लेना बताएंगे, बैकअप का मतलब बताएंगे और बीजी में आप कितने तरीके से बैकअप ले सकते हो, ये भी हम आप लोगों के साथ आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बैकअप, सबसे पहले बैकअप का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि आज धीरे धीरे हम लोग सब डिजिटलाइज हो रहे हैं और सब चीज ऑनलाइन होती जा रही है। जैसे जैसे चीजें ऑनलाइन होती जा रही है, हमारा डर भी बढ़ता जा रहा है कि कोई हमारा डाटा करप्ट ना हो जाए या हमारे डाटा को कोई छुड़ा ना ले, इस तरह की हमारी थिंकिंग बनी रहती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का तरीका है कि हमें टाइम टू टाइम बैकअप लेना चाहिए, ताकि हम अपने बैकअप को लेकर किसी दूसरी लोकेशन पे रखें और अगर हमारा पुराना डाटा खराब हो जाए, डिलीट हो जाए या कोई उसे चुरा ले, तो इस केस में हम उस डाटा का, पुराने डाटा का यूज करके अपने काम को आगे कर सके और हमें कोई परेशानी ना हो। तो बीजी में भी अगर आप बैकअप लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देख सकते हैं। मैं आपको इसमें आज चार तरीके बैकअप के बताऊंगा। पहला मैनुअल तरीका, दूसरा बीजी का जो ऑटोमेटिक तरीका है वो, और तीसरा जो जनरल तरीका, और चौथा बीजी का एक सॉफ्टवेयर आया नया जिसमें आप बैकअप को फिक्स कर सकते हो और वो उतने टाइम पर अपने आप बैकअप ले लेगा। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आपके साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ से कंपनी बना ओपन करी जिसका नाम है SS सॉफ्टवेयर सर्विसेज। मुझे अगर इस कंपनी का बैकअप लेना है तो मैं क्या करूँ? पहला तरीका है, मुझे बैकअप लेने के लिए बैकअप डाटा पे आना है। बैकअप डाटा पे जाने के बाद उस कंपनी का पास देना है, जो भी कंपनी है। मैंने कंपनी का यूजर नेम डाला, मैंने कंपनी का पासवर्ड डाला और जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ से मुझसे पूछेगा स्पेसिफाई पाथ लोकेशन कि आप अपनी कंपनी का जो पाथ लेना चाहते हैं वो कहाँ लेना चाहते हैं। आपको जहां भी पाथ लेना है बस आप उसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें। जैसे ही आप एंटर मारेंगे आपसे पूछेगा सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, आप कौन सी ईयर का बैकअप लेना चाहते हो। बेसिकली हम तो सभी ईयर का बैकअप लेते हैं, तो हम यहाँ से कॉल कर देंगे और एंटर मार देंगे। जैसे आप एंटर मारोगे तो देखिए बैकअप स्टार्ट होगा और अगर आपका डाटा ज्यादा होगा तो आपको बैकअप लेने में समय लगेगा, लेकिन अगर आपका डाटा कम होगा तो बैकअप लेने में कोई समय नहीं लगेगा। बैकअप हो गया, बैकअप हो जाने के बाद आपको मैसेज मिलेगा सक्सेसफुली। जब आपका बैकअप हो जाएगा और कभी कोई गलती से आपकी कंपनी को डिलीट कर देता है, सपोज दैट आपने बैकअप लिया, बैकअप लेने के बाद किसी ने आपकी कंपनी डिलीट कर दी, कहां जाके डिलीट कंपनी में आया, उसने आपकी कंपनी का पासवर्ड यूजर डाला और कंपनी को डिलीट कर दिया इस तरीके से। कंप्लीट कंपनी यस करा और इस तरीके से आपकी कंपनी डिलीट हो गई। मैंने साथ साथ एक डुप्लीकेट कंपनी बनी वो भी डिलीट कर देता हूँ। मैंने ये भी कंपनी डिलीट कर दी यहाँ से। अब मुझे पता चला कि मैंने कंपनी डिलीट कर दी। अब जब मैं डिलीट कर दी तो मैं बड़ा परेशान हुआ यार, उसमें तो मेरा डाटा इंपॉर्टेंट था, ये था वगैरह वगैरह, जो भी सर्कमस्टेंसेस आई। मैंने सोचा नहीं यार मुझे बैकअप वापस लाना, तो अगर मैंने बैकअप ले लिया और उसके बाद उसको बैकअप को दोबारा अपनी कंपनी में रिस्टोर करना है तो क्या करूंगा? मैं रिस्टोर पे आऊंगा, रिस्टोर पे आने के बाद उस कंपनी का पाथ दूंगा और इसे ओके पर क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा वही आएगा बैकअप रिस्टोर, आप इंटर मारेंगे और आप देखिए आपकी कंपनी आ गई। तो आप जैसे ही इंटर मारेंगे यहाँ पर अब आपको वो कंपनी दिख जाए। तो अगर आप बैकअप लेते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है आप लोगों की, अगर आपसे कोई कंपनी डिलीट हो जाए या आपके काम में कोई भी अप एंड डाउन आ जाए तो उस केस में आप बैकअप को रिस्टोर करके अपने काम को कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप बैकअप लेते हो बीजी में या बीजी के अंदर, तो पता है बैकअप लेते वक्त आपकी एक फाइल बनती है जिसका नाम होता है data.bkp और एक बनती है DSK1, ठीक है। ये 1 KB की होती है और ये जो भी आपका डाटा होता है ये उसके अंदर जाके बन जाती है। तो याद रखना जब भी आप बैकअप लो तो प्लीज ये जरूर चेक करना कि आपकी दोनों फाइल बन रही है ना। कई बार ऐसा होता है कि फाइल नहीं बनती, आप बैकअप तो ले लेते हैं लेकिन आपके मन में होता है बैकअप ले लें, लेकिन बाद में जब रिस्टोर नहीं होता तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आप जो बैकअप लेते हैं क्या वो सही से बन रही है, अगर वो सही से बन रही तो ओके, अगर नहीं बन रही तो आप उसे एक बार चेक करें। ये होता है मैनुअल तरीका अगर आप बीजी में बैकअप लेना चाहते हैं। दूसरा होता है बीजी के अंदर ऑटोमेटिक तरीका। अगर आप बीजी के अंदर बैकअप लेना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से बीजी को ओपन करना है। बीजी ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ से एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। बस आपको बैकअप कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, जिस भी ड्राइव में चाहिए उस ड्राइव पर चले जाना। मैंने कहा डी ड्राइव पे, मैंने डी ड्राइव का नाम दिया, मैंने कहा डाटा नाम का फोल्डर बना और उसके अंदर मंडे क्लियर, मैंने कहा फिर डी ड्राइव में डाटा का नाम का फोल्डर, उसमें मैंने कहा डी ड्राइव में डाटा, इसमें नाम वेडनेसडे नाम का फोल्डर, मैंने कहा डी ड्राइव में डाटा, उसमें थर्सडे नाम का, फिर डी ड्राइव में डाटा, उसमें फ्राइडे नाम का, डी ड्राइव में डाटा और उसमें कौन सा सैटरडे नाम का, डी ड्राइव में डाटा और उसमें संडे नाम का फोल्डर। जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो नीचे मिलेगा प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, क्या जब आप कंपनी को बंद करो तो बैकअप के लिए पूछे, मैंने कहा यस पूछे, और साथ साथ इनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग।
मैं चाहता हूँ बीजी मुझसे जबरदस्ती कहे कि आप बैकअप लो, जब तक मैं बैकअप ना लू मेरी बीजी कंपनी बंद ही ना हो, तो उस केस में आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पर डेली बैकअप बनाया, मतलब अगर आज फ्राइडे है तो फ्राइडे में बैकअप जाएगा, अगर आज सैटरडे हो तो सैटरडे में जाएगा। सर इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा तो बहुत ज्यादा है। अगर आपने बैकअप लिया, बैकअप लेते हुए अगर आपके डाटा में कुछ भी गलती हो जाती है और आपका कल का डाटा भी खराब हो जाता है, परसों का भी, तो आप उससे पहले का बैकअप उठा सकते हैं। तो याद रखना, जब भी आप बैकअप लो तो कुछ इस तरीके से बना देना ताकि ये आपका डे वाइज बैकअप ले। आज फ्राइडे तो आज फ्राइडे में जाए, कल थर्सडे तो कल थर्सडे में जाए, कल सैटरडे तो सैटरडे में जाए। तो इस तरीके से आपको बैकअप बनाना है, बस आप इसको सेव कर दें। जैसे आप सेव करेंगे और कंपनी को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर अपने आप आएगा प्रोसीड फॉर बैकअप, आप बैकअप लेना चाहते हो, बस आप इसका एंटर मार दो तो देखिए बैकअप लेना स्टार्ट हो जाएगा और बैकअप सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। क्लियर है? साथ साथ आप देखोगे तो आपका विंडो प्लस ई करो, ई ड्राइव में डी ड्राइव में जाओ, डाटा नाम का फोल्डर ओपन करो, उसमें सारे फोल्डर हैं, इसमें फ्राइडे को चेक करो, इसमें बैकअप आ गया क्योंकि आज फ्राइडे था। दूसरा, ये बैकअप इस तरीके से ले सकते हो। लेकिन ये दो तरीके होते हैं कि बैकअप हो गया, लेकिन अगर आप एक बार में एक से ज्यादा कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो तो बीजी के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है जैसा टैली में। लेकिन अगर आप इन सभी का पूरा बैकअप लेना चाहते हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ले जाना चाहते हो, तो वो सिंपल है। बस क्या करना है आपको, इसकी लोकेशन चेक करनी। लोकेशन चेक करने के लिए आप ओपन कंपनी में आना और ऊपर देखना सिलेक्ट कंपनी फॉर ऑपरेशनल ऑपरेशन डी ड्राइव डाटा डी ड्राइव डेमो कंपनी। बस तुम क्या करना, इसमें डी ड्राइव में जाना, डी ड्राइव के अंदर डेमो कंपनी को कॉपी करना और किसी दूसरी लोकेशन में जाकर वहां कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो भी आपका बैकअप वाली कंपनी थी, मतलब वहां से उठ के यहाँ बैकअप आ गया। तो कई बार बीजी के अंदर जब हम अपने डाटा को एक पीसी से दूसरे पीसी में ले जाना होता है तो हम क्या करते हैं, जहां से हमारी कंपनी चल रही होती है उसको हम कट करते हैं और दूसरी कंपनी या दूसरे पीसी में जाकर पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारा पुराने पीसी से डाटा हट जाता है, नए पीसी में आ जाता है। या हमें नए पीसी में भी रखना है, पुराने पीसी में भी रखना है, तो हम पुराने वाले पीसी से कॉपी करते हैं और नए पीसी वाले में पेस्ट कर देते हैं। ये एक सिंपल मेथड है कॉपी पेस्ट का। लेकिन जब आप कॉपी करें तो अगर आप जैसे इस पर कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ओवरराइट का मैसेज आएगा, प्लीज चेक कर लेना और कंफर्म कर लेना कि मुझे ओवरराइट करना है या नहीं करना। क्योंकि जब अगर आप ओवरराइट करोगे और गलती से आपने पुराने डाटा को ओवरराइट कर दिया नए डाटा पर, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज जब भी आप बैकअप लो तो ये श्योर कर लो कि आप जहां से पेस्ट कर रहे हो वो सही है ना, और सही है। अगर आपने एक बार ऑलरेडी बैकअप ले रखा, उसी के ऊपर दोबारा पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से गलती ना हो, उल्टा मत कर देना कभी। पुराने डाटा पर नए डाटा को पेस्ट मत कर देना, जिससे आपका पुराना डाटा आ जाएगा, नया डाटा सारा उड़ जाएगा, उसमें हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा और रिप्लेस पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए सभी को रिप्लेस कर देगा। क्लियर है? इतना समझ आ गया। ये बैकअप के तीन तरीके, पहला मैनुअल, दूसरा ऑटोमेटिक और तीसरा जनरल तरीका। अब आता है बीजी में बैकअप में चौथा तरीका, जो बीजी का सबसे इंपॉर्टेंट वे भी कह सकते हो, बीजी का सबसे अच्छा तरीका बीजी कंपनी ने निकाला है। बीजी कंपनी का कि आप डेली बैकअप लेते हो, आप ऑटोमेटिक बैकअप लेते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब हम आपको एक यूटिलिटी दे रहे हैं प्रोवाइड करा के, जिसका नाम आप जाएंगे www.bizibin.com पर। आप यहाँ से प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट में जाने के बाद आपको यूटिलिटी के अंदर आना है। जैसे ही आप बीजी की यूटिलिटी पे आओगे तो एक बीजी की नई एप्लीकेशन आई है बीजी एजेंट के नाम से। बस आप इस एप्लीकेशन को कॉपी करें और डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को कॉपी करके डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं बीजी के अंदर बीजी डाउनलोड सेटअप नाम की एक फाइल आ गई, बीजी एजेंट सेटअप। बस तुम्हें इसे एक्सट्रैक्ट करना है। करने के बाद देखिए इसमें एक सेटअप बन जाएगा, आप एक्सट्रैक्ट फाइल करो ताकि यहाँ पर फोल्डर भी बन के आ जाए। तो यहाँ फोल्डर बन के आ गया। इसके बाद आप इसे डबल क्लिक करो और इसे इंस्टॉल कर लो। देखिए इंस्टॉल होने लगी, लेकिन इंस्टॉल होने से पहले आप कोशिश करें कि आपका बीजी सॉफ्टवेयर क्लोज हो तो ज्यादा अच्छा है। इसे यस करें और इसे इंस्टॉल कर लें। मैंने इसे इंस्टॉल करा और ओके पर क्लिक कर दी। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए अब इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि इंस्टॉल हो जाने के बाद आप डेस्कटॉप पर आओगे। जैसे ही आप डेस्कटॉप पर जाओगे तो आप देखना अब आपके पास एक एप्लीकेशन शो करेगी जिसका नाम है बीजी एजेंट। इस एप्लीकेशन का बेनिफिट ये है कि आप इस पे जब डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो आप इसमें एक बार में बहुत सारी कंपनी का बैकअप लगा सकते हैं। बस आपको सबसे पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपका डाटा है वो एक्सेस मोड पर है या एसक्यूएल पर। आप सभी जानते हैं बीजी में दो तरीके से हम डाटा को मेंटेन करते हैं, पहला होता है एक्सेस मोड और दूसरा होता है एसक्यूएल मोड। अगर आपका डाटा एक्सेस मोड पर है तो आपको एक्सेस मोड को सिलेक्ट करना है, अगर आपका डाटा एसक्यूएल मोड है तो आपको अपने सर्वर का नाम, सर्वर का नाम, यूजर का नाम, पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मेरा MX मतलब एक्सेस फॉर्मेट है तो मैंने एक्सेस लिया। इसके बाद आपकी कंपनी कौन सी लोकेशन में, मैंने कहा डी ड्राइव में, डेमो कंपनी, मैंने वो सिलेक्ट कर ली। उसने कहा ओके। इसके बाद नीचे आए सेंड नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल, आपको
नोटिफिकेशन आनी चाहिए ईमेल, मैंने कहा आनी चाहिए, कौन सी ईमेल, मैंने कहा bzshahrukh15jain@gmail.com, मैंने ये टाइप कर दिया। अच्छा एसएमटीपी सर्वर डाल दो, तो मैं जानता हूँ एसटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। इसके बाद पोर्ट आपको पता है जीमेल का 465 होता है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी दोबारा टाइप करनी है, तो मैंने लिख दिया shahrukh15jain@gmail.com। आपको पासवर्ड टाइप करना है, मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया। और अगर आप बीजी की डीएनएस ऐप यूज करते हो तो वहां भी एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप चेक करना चाहो तो इसको चेक कर सकते हो कि जो आपने सेटिंग करी है ओके है या नहीं, तो आप चेक करोगे ईमेल सेंड सक्सेसफुली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप इसे सेव कर दो, जैसे सेव होगा कॉन्फ़िगरेशन सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आपको बैकअप पर जाना है, बैकअप पर जाओगे, डू यू वांट टू क्रिएट बैकअप, क्या आप बैकअप लेना चाहते हो, तो आप इसे यस कर दोगे। अच्छा बैकअप कहाँ लोगे, मैंने कहा बैकअप जो मैं लूंगा वो ई ड्राइव में लूंगा, ए ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर में बैकअप में लेना चाहता हूँ। अच्छा डाटा डेट वाइज लेना चाहते हो, मैंने कहा जी मैं डेट वाइज बैकअप लेना चाहता हूँ। अच्छा ऑल कंपनी का, मैंने कहा ऑल कंपनी का। और अगर तुम कंपनी डेट वाइज लेना चाहते हो तो पता है क्या होगा, उस कंपनी का एक फोल्डर बनेगा, उसकी डेट आएगी साथ में और उसके अंदर बैकअप, ठीक है, तो वैसे आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं डेट वाइज आए उसी के अंदर बैकअप आ जाए, तो आप डेट वाइज कंपनी सिलेक्ट करेंगे, ऑल कंपनी करेंगे। लेकिन अगर आप सिलेक्ट कंपनी करोगे तो यहाँ से आपको कंपनी बतानी पड़ेगी कि आप कौन कौन सी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो। मैंने कहा ऑल कंपनी का बैकअप लेना चाहता हूँ। ऑल बैकअप शेड्यूल क्या रखोगे, कब कब बैकअप लेना है, मैंने को संडे भी लेना है, मंडे भी लेना है, ट्यूसडे भी लेना है, वेनसडे भी लेना है, थर्सडे भी लेना है, फ्राइडे भी लेना है और सैटरडे भी लेना है, मतलब मैं ऑल डेज लेना चाहता हूँ, सिलेक्ट करो। अच्छा दिन में कितनी बार ले सकते हो, मैंने कहा मैक्सिमम 3 बार लेना है। अच्छा कब लेना चाहते हो, मैंने कहा सुबह 11 बजे, शाम फिर 3 बजे, फिर 6 बजे और ये बैकअप हो जाए। तो मैंने इसको एंटर मारा और इसे मैंने फिक्स कर दिया, लिखा टाइम फॉर फर्स्ट बैकअप शुड बी एटलीस्ट 1 आवर बिफोर टाइम ऑफ 2 आवर्स, तो मतलब 2 घंटे से पहले होना चाहिए, तो मैं इसको 12 कर देता हूँ इस तरीके से। क्लियर, बैकअप हो गया। इसके बाद आप सेव कर दो, सेफ आपने कर दिया, सेफ हो जाने के बाद आप बैकअप नाउ, अगर बैकअप लेना चाहते हो तो आप इस पर बैकअप नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही बैकअप नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ से लिखा ना बैकअप ऑल कंपनी का धीरे धीरे चलता जा रहा है, जितनी कंपनियां होंगी सभी का बैकअप लेता चला जाएगा, लेकिन साथ साथ बैकअप भी लेगा और आपको मेल पर एक नोटिफिकेशन भी देगा कि मैंने सभी कंपनी का बैकअप सक्सेसफुली ले लिया। तो आप इस तरीके से बैकअप ले सकते हैं सभी कंपनी का, क्लियर है। और अगर जैसे ये 12 बजेंगे, 3 बजेंगे, 6 बजेंगे अपने आप बैकअप लेगा और साथ साथ आपको जीमेल पर एक मैसेज भी दे देगा कि मैंने इसका बैकअप ले लिया और बैकअप सक्सेसफुली हो गया। मैंने इसे जीमेल पर गया, जीमेल पर जाने के बाद मैंने इसे लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद मैंने जैसे इसको खोलूंगा तो देखिए मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जिसमें मेल, ये तो मेल चेक की आ रही है कि जब हमने मेल चेक करवाई थी तब की नोटिफिकेशन है, जब तक ये बैकअप कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस तरीके से देगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा सारी कंपनी का तो ये प्रॉपर तरीके से देगा। देखो अप्रोक्सीमेट अब तक 26 कंपनी का इसने बैकअप ले लिया, 29 हो गया और मे बी अब एक आध कंपनी और बची होगी, हाँ इसने सभी कंपनी का बैकअप ले लिया और लिख के आ गया बैकअप सर्विस कंप्लीट। और जैसे ही बैकअप सर्विस कंप्लीट होगी तो देखिए आपको एक मेल आ जाएगी, आ गया मेल, बस आप इस पर क्लिक करो और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये बता रहा है कि हमने आपका बैकअप ले लिया, टोटल आपकी 29 कंपनी थी जो डी ड्राइव के अंदर थी और हमने उसका बैकअप सक्सेसफुली बैकअप लेकर उसको ई ड्राइव में पेस्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये बैकअप ले रहा है और अभी भी ले रहा है, ठीक है, जितनी कंपनी बची होती सभी का बैकअप ले रहा है। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर इस बीजी एजेंट बैकअप यूटिलिटी का यूज करके अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप विंडो प्लस ई करेंगे, जैसे आप विंडो प्लस ई करेंगे, ई ड्राइव में जाएंगे, यहाँ से न्यू फोल्डर को ओपन करेंगे, जो आपका ये न्यू फोल्डर था देखना, इसमें बैकअप आ गया, यहाँ पर आ रहा है 20/2020 चौथा महीना 17 तारीख और ये 1 बजे का बैकअप, तो ये आ गया, देखो सभी कंपनी का बैकअप आ गया, आ गया। अगर आप इस पर एंटर मारेंगे तो यहाँ पर देखो सभी के बैकअप फाइल बन गए। और पता है ये 3 बजे का भी बैकअप अभी ले रहा है, क्योंकि जब आप तुम पहली बार स्टार्ट करते हो जो उसके बीच में डेट आती है दोनों का एक साथ बैकअप ले लेता है। और देखिए अभी दोनों का जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आ गया, ये 2 बार बैकअप इसने कंप्लीट करे और दोनों बार आपको मैसेज दे, साथ साथ आपकी जीमेल पे एक और नोटिफिकेशन आ गई होगी बैकअप की, और आप इस तरीके से इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो ये बीजी के अंदर बैकअप के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन थी ये सभी आ गई, साथ साथ आपकी कंपनी का कोड, कंपनी का नाम, फाइनेंशियल ईयर, साइज, बैकअप स्टार्ट, बैकअप कंप्लीट। तो इस तरीके से आप बीजी के अंदर मल्टीपल कंपनी का एक साथ बैकअप ले सकते हो, एक बहुत अच्छी बीजी की यूटिलिटी, आप टाइम टू टाइम बैकअप ले सकते हैं। तो आज मैंने बैकअप से रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन थी सब बता दी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।